बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो एपिस्टेसिस का टॉपिक स्टार्ट लिया था, और इसके अंदर जो है, अच्छा अब यहाँ पे ना एक चीज़, जो एग्जांपल हमने लेब्राडोर की भी पढ़ ली थी, उसके बाद हमने स्वीट पी की भी पढ़ ली थी, ठीक है, और आप लोगों ने प्रैक्टिस भी होपफुली किया होगा। अच्छा, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की एग्जाम्पल जो है ये मैं बताने लगा हूँ, पढ़ाने लगा हूँ, जरा इसको और से देख लीजिएगा। हमारे पास जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें याद रखना है हमारे पास कि जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, अच्छा अब इसमें होता ये है कि नॉर्मली एक पर्सन है, ठीक है, जिसमें एंटीजन ए अगर बनती है तो उस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या होता है, ए है, यानी अगर एक पर्सन है उसके ये रेड ब्लड सेल है तो उसके सरफेस के ऊपर ए एंटीजन है, इस तरह से, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसी तरह अगर एक बंदा है उसके रेड ब्लड सेल की सरफेस पे बी एंटीजन है, उसकी आप कह सकते हैं जो रेड ब्लड सेल है उसकी सरफेस पे बी एंटीजन जो है वो मौजूद होगी, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर एक बंदा है उसमें एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी अगर एक पर्सन उसमें एंटीजन ए एंड एंटीजन बी है, यानी रेड ब्लड सेल है ए बी ए ए बी, ये दोनों एंटीजेंस हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा उस बंदे का, ब्लड ग्रुप बी ए बी होगा। और अगर नो एंटीजन, ठीक है, ऑन द आरबीसीज, ठीक है, इस तरह से आरबीसी है तो ओ ब्लड ग्रुप हमारे पास होगा, ठीक है, तो मैं ब्लड ग्रुप कह देता हूँ जी, ब्लड ग्रुप ओ होगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें जो जेनेटिक बेसिस है वो अगर आप समझने वाली है, जो एपिस्टेटिकली हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, और वो हमारे पास क्या है, तो हम बात कर रहे थे, हमने कहा जी कि एबीओ अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो एबीओ के अंदर जो है वो हमारे पास रेड ब्लड सेल की सरफेस पे एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर ए बी एंटीजन दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। अच्छा, अब हम इसको एपिस्टेटिकली जो है वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, जरा गौर से देखिएगा, एपिस्टेसिस फिनोमिना, ठीक है। अब इसमें याद रखना है कि हमारे पास जो हमारे पास ये जो एंटीजन है, ठीक है, ये एक आई जीन है, ठीक है, ये कंट्रोल करती है, और आई एंटीजन ने, आई एंटीजन तीन तरह की होती है, एक आई ए होती है, एक आई बी होती है, और एक स्मॉल आई होती है। अगर आई ए होगा ना तो इस केस में एंटीजन ए बनेगी, अगर ये अलील होगी इस केस में एंटीजन बी बनेगी, और अगर स्मॉल आई होगा तो कोई एंटीजन नहीं बनती, ठीक है, ये एक आई, और ये वाली जो एक आई जीन है ये रिवाइड करती है, यानी मौजूद है कहाँ पे, क्रोमोसोम नंबर 9 पे, ठीक है। अब ये पॉइंट याद रखना, हमारे पास ये है क्रोमोसोम 9 और इस पे आई जीन मौजूद है। अच्छा,
अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक और क्रोमोसोम है, ठीक है, और वो है जी क्रोमोसोम 19। समझ आ गई? पहले क्या है? क्रोमोसोम 9, अब क्या है? क्रोमोसोम 19। क्रोमोसोम 19 पे याद रखना एक और जीन मौजूद है जिसको हम कहते हैं एच जीन, ठीक है, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? एच जीन। एच जीन ने क्या करना होता है? बनाना होता है एक एंजाइम कह लें या एक प्रोटीन कह लें जिसको हम कहते हैं एच सब्सटेंस, ठीक है, हम उसको एंजाइम कह सकते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसका मतलब रोल क्या होता है? अगर कैपिटल एच या कैपिटल एच स्मॉल एच होगा तो एच सब्सटेंस बनती है, समझ आ गई? अगर स्मॉल एच होता है तो एच सब्सटेंस, ठीक है, एच सब्सटेंस जो है वो हमारे पास नहीं बनती। अब इसका इफेक्ट क्या होता है? देखो, इफेक्ट ये होता है कि हमारे पास जब रेड ब्लड सेल बनाया जाता है ना, ये हमारे पास बन गया, ठीक है, रेड ब्लड सेल, मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास है रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब इस पर्सन के अंदर क्या हुआ है कि हमारे पास आई जीन मौजूद है और आई ए की फॉर्म में है और इसने एंटीजन ए बनानी है, समझ आ गई? एंटीजन ए बनानी है। अब फर्ज कर लें कि ये हमारे पास बन गई है जी एंटीजन ए, ये एंटीजन्स बन गई है, ठीक है, ये मैं इसको इस फॉर्म में जो बना रहा हूँ ये सारी क्या है? ये एंटीजन्स है। अब इस एंटीजन के बनने के बाद अब होता क्या है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम 19 पे एच सब्सटेंस एच जीन है, इसने बनाना है एच सब्सटेंस, ठीक है, और इस एच सब्सटेंस ने क्या करना है, इस ए एंटीजन को कैप्चर करना है और ले जाकर आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर इसने क्या करना है, इसको इस तरह से लगा देना है, समझ आ गई? इसने क्या करना है, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे इसको लगा देना है। अब आप अंदाजा करो कि क्रोमोसोम 19 पे एच जीन, क्रोमोसोम 9 की जो आई जीन है उसकी जो प्रोडक्ट है उसको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है। अब ये एच जीन मैंने बताया एच सब्सटेंस कब, जब हमारे पास कैपिटल एच स्मॉल एच होता है तब, यानी कैपिटल एच या कैपिटल एच स्मॉल एच होगा तब ये जीन बनेगी। अब दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि अगर हमारे पास स्मॉल एच होगा, अब इधर देखना जरा, कैपिटल आई ए और आई ए, इसने तो एंटीजन बना दी, ठीक है, इसने क्या किया, एंटीजन ए बना दी, ठीक है, अब इसने एंटीजन ए बना दी और ये हमारे पास एंटीजन जो है वो इस तरह से पड़ी हुई है, ठीक है, यानी ये ब्लड के अंदर जो है वो एंटीजन मौजूद है इन द ब्लड। अच्छा, ये सारी एंटीजन मौजूद है, ठीक है। अब एच जीन जो है यहाँ पे मौजूद है जो कि क्रोमोसोम हमने कहा 19 पे होती है, इसने अब एच सब्सटेंस नहीं बनाना। जब एच सब्सटेंस नहीं बनेगा उस केस में याद रखना है आपने कि जो रेड ब्लड सेल होता है ना, ठीक है, रेड ब्लड सेल की सरफेस पे ये जो एंटीजन ए है ये नहीं लग पाती, समझ आ गई? एंटीजन जो ए है ये नहीं लगती, ये इसकी सराउंडिंग में एज इट इज जो है वो रह जाती है, अटैच नहीं होती, ठीक है। इस सूरत में क्या होता है कि वो जो पर्सन होता है, ठीक है, वो क्या होगा, अपेरेंटली, अब देखो रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर एंटीजन नहीं होगी तो ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, जिस तरह मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ। अब होता क्या है कि ब्लड ग्रुप इस पर्सन का क्या होता है, ओ, मगर हम देखेंगे अगर जीनोटिपिकली, अगर फिनोटिपिकली देखेंगे, फिनोटिपिकली तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ, और अगर हम जीनोटाइप को देखेंगे जीनोटिपिकली तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए होगा। इस तरह की जो ड्यूअल नेचर वाला आप कह सकते हैं स्ट्रक्चर है या जो पर्सन है फिनोटाइप है
उसको हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप, ठीक हो गया। ये ब्लड ग्रुप के अंदर एक एपिस्टेसिस की एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोम 19 के ऊपर एपिस्टेसिस की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी कि एक जीन, ठीक है, यहाँ पे देखो जरा ये के फिनोमिनॉन इन विच द इफेक्ट कॉज्ड बाय जीन एट वन लोकस इंटरफेयर विद द हाइड, ठीक है, और हाइड द इफेक्ट कॉज्ड बाय अनदर जीन एट अनदर लोकस। तो अब यहाँ पे क्या केस आ रहा है, एबीओ के अंदर के हमारे पास जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, उसमें अब आई ए जीन यानी क्रोमोसोम 9 की जो जीन है वो प्रोडक्ट बना रही है, मगर क्रोमोसोम 19 को जो जीन है यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है वो नहीं बना रही, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर जो है वो हमारे पास एंटीजन नहीं लग पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लगता ऐसे ही है कि ब्लड ग्रुप ओ है मगर होता एक्चुअल में ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ए की जस्ट एग्जाम्पल दी है, यहाँ पे बी भी पॉसिबल है, ठीक है, बी भी पॉसिबल है, यहाँ पे ए बी भी पॉसिबल है, हो सकता है कि जीनोटिपिकली वो ब्लड ग्रुप जो है वो हमारे पास क्या हो, ए हो, ठीक है, और फिनोटिपिकली जो है वो हमारे पास ओ हो। ये भी पॉसिबल है कि हमारे पास वो जीनोटिपिकली बी हो और फिनोटिपिकली हमारे पास वो ओ हो, और ये भी पॉसिबल है कि वो जीनोटिपिकली हमारे पास वो ए बी हो, ठीक है, यानी यहाँ पे तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिए ना, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पे ए है, ये ए बी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। तो जो एंटीजेंस है वो हो सकता है कि बी वाली एंटीजेंस भी घूम फिर रही होंगी ब्लड के अंदर, और हो सकता है कि ए वाली, और हो सकता है दोनों ही मौजूद हो, ठीक है। तो ये जो केस होता है इसको हम कहते हैं बॉम्बे फिनोटाइप, ठीक है। बॉम्बे फिनोटाइप एक्चुअल में इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये सबसे पहले इंडिया में एक्चुअल में बॉम्बे यानी जो बॉम्बे है सिटी, वहां पे इसको जो है वो क्या किया गया था, आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक हो गया। तो ये एक्चुअल में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर, मैं इसको एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे मैंने क्या बताया कि एबीओ के अंदर हमारे पास क्या है कि चार ब्लड ग्रुप सिस्टम है, ठीक है, ए बी ए बी और ओ। अगर ए ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें एंटीजन ए होती है, बी होता है तो उसमें ब्लड ग्रुप एंटीजन बी होगी, ठीक है, उस पर्सन का ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। फिर मैंने बताया कि दो जो आई जो है हमारे पास एंटीजन की जो जीन है वो है आई जीन, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास तीन, इसकी आप कह सकते हैं म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन की वजह से तीन आप कह सकते हैं फॉर्म बनती हैं, तीन अलील बनती हैं, आई ए आई बी स्मॉल आई। आई ए अगर होगा तो एंटीजन ए बनेगी, आई बी होगा तो एंटीजन बी बनेगी, और स्मॉल आई होगा तो एंटीजन कोई भी नहीं बनेगी, और इस सूरत में ब्लड ग्रुप ए होगा, इस सूरत में ब्लड ग्रुप बी होगा, इस सूरत में ब्लड ग्रुप ओ होगा, और अगर दोनों बनती हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब आई जीन क्रोमोसोम 9 पे है और एच जीन एक और जीन है जो कि 19 के ऊपर है, ये दोनों एक दूसरे को इंट्रैक्ट करती हैं, और इंट्रैक्शन से क्या होता है कि अगर हम इसको कंपैरिजन में लाएं कि अगर यहाँ पे आई ए हमारे पास है, ठीक है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या हो रहा है कि आई आई बी है या आई ए बी है और वो एंटीजिन बना रही है, और इधर से क्रोमोसोम जो 19 है इसके ऊपर एच जीन है और वो इस फॉर्म के अंदर है, यानी कैपिटल की फॉर्म के अंदर है, डोमिनेटिंग फॉर्म के अंदर है, तो एच सब्सटेंस बनाएगी, और इसने क्या करना है, इस एंजाइम ने इसको कैप्चर करना है और रेड ब्लड सेल की सरफेस के ऊपर लगा देना है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि 9 वाली तो अपना रोल परफॉर्म कर रही होती है मगर 19 वाला एंजाइम कह लो या सब्सटेंस नहीं बनता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो एंटीजेंस होती हैं, ठीक है, जीनोटाइप के रिलेटेड जो एंटीजेंस होंगी वो ब्लड के अंदर ही रह जाती हैं। इस केस में जो पर्सन का ब्लड ग्रुप होता है वो फिनोटिपिकली हमारे पास क्या होता है, ओ होता है, और जीनोटिपिकली हमारे पास क्या होगा, वो क्या होगा, ए होगा, बी होगा या ए बी होगा, ठीक है।